हेलो गाइस एंड वेलकम टू अफिशनाडोस डेन वेर वी स्टे इन क्लास। एंड गाइस आज जो विस्की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है स्टार वॉकर। तो स्टार वॉकर एक अल्ट्रा प्रीमियम ब्लेंडेड विस्की है विच इज़ मेड फ्रॉम द ब्लेंड ऑफ स्कॉटिश मॉल्ट विस्कीज एज वेल एज ग्रेन न्यूट्रल विस्कीज। ये ओएसएस ग्रुप की मैन्युफैक्चरिंग है एंड इफ़ यू नो मेरा पिछला वीडियो जो था वो ऑल सीजंस था विच इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ ओएसएस ग्रुप। तो हैविंग सेड दैट ये एक इंडियन विस्की है और इस विस्की को डबल चार्ड ओक बैरल्स में मैच्योर किया जाता है। तो इट ब्रिंग्स आउट दैट क्वालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ बैरल इनटू दिस विस्की। अब ये डबल चार्ड ओक बैरल्स क्या होते हैं? तो डबल चार्ड ओक बैरल्स होते हैं जिनको चार किया जाता है या जलाया जाता है अंदर से दो बार। उससे क्या होता है, जो वुड होता है बैरल का उसका कैरेक्टर और इंक्रीज़ हो जाता है और वो जो वुड होता है ओक बैरल्स का वो एक अच्छा सा स्मोकी काइंड ऑफ वुडी कैरेक्टर जो है वो प्रोवाइड करवाता है विस्की को जो कि उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद इसकी करते हैं टेस्टिंग एंड बताते हैं कि ये विस्की कैसी है। चलिए, अगर आप देखेंगे इसका बॉक्स एक वाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन में आता है एंड इट इज़ अ ओवरसाइज्ड बॉक्स। तो अगर आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक बहुत ही बड़ा बॉक्स है। अगर आप देखेंगे तो इस साइड पर आपको दिखेगा दिस विस्की हैज़ वन 12 इंटरनेशनल अवार्ड्स विच इज़ अ गुड थिंग। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस विस्की में कोई भी मोलासेस बेस्ड स्पिरिट्स नहीं डाली गई हैं। तो इट इज़ जस्ट अ ब्लेंड ऑफ वैटेड मॉल्ट विस्कीज एज वेल एज ग्रेन न्यूट्रल विस्कीज। ग्रेन विस्कीज जो हैं वो ब्लेंड करके इसको बनाया गया है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसमें अगर आप देखें एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री लिखी हुई है, हाउ इट इज़ मेड, वॉट इज़ इट यूज्ड, वॉट इज़ यूज्ड इन इट। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि अगर आप देखें तो इसमें एक फ्री गिफ्ट भी है और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो दैट इज़ स्टार वॉकर फॉर यू। लेट्स ओपन इट एंड लेट्स पोर इट एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर। तो ये जो फ्री गिफ्ट है ये एक बहुत ही बढ़िया ग्लास है जिसके ऊपर एक बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार वॉकर एच्ड है। एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का ग्लास है। दैट्स द फ्री गिफ्ट एंड लेट्स गेट द बॉटल आउट बिकॉज ये ओवरसाइज पैकेजिंग है तो बॉटल के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पैकेजिंग भी अंदर है डब्बे के, बट ठीक है, इट्स ओके। हमें तो एट द एंड ऑफ द डे विस्की से मतलब है, ग्लास से क्या ही करना है। चलिए लेट्स ओपन इट। लेट्स गिव इट अ पोर। दैट्स स्टार वॉकर फॉर यू। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग। अगर मैं कलर की बात करूं तो एक डार्क गोल्डन ऑलमोस्ट एम्बरिश कलर है। लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग। अगर मैं विस्की की बात करूं तो आई कैन गेट दैट मॉल्टीनेस इन टू इट, बट जो सबसे ज्यादा ओवरपावरिंग अरोमा है वो वुडीनेस है, वो वनीला का है, वो स्मोकीनेस है हल्की हल्की जो इसमें आ रही है। ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रूटी, गॉट हिंट्स ऑफ कैरमल एंड हनी इन इट। एक बहुत ही अच्छा सा नोज है। लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट, लेट्स सी कि टेस्ट पे क्या असर है। अगर मैं बात करूं इसके टेस्ट की, एक हल्का सा अल्कोहल का बर्न ज़रूर है, आई वुड नॉट डिनाई दैट, बट एक बहुत ही अच्छा वुडी और स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इसमें। पीटीनेस इज़ वेरी गुड।
हल्की सी पीटीनेस है बट इट इज़ वेरी गुड. फ्रूटीनेस, बहुत अच्छे फ्रूट्स का फ्लेवर आ रहा है मुझे इसमें. एंड आई वुड से दैट हनीड नोट्स, दैट हनी फ्लेवर इज़ वेरी गुड इन इट. ऑफकोर्स वनीला, वनीलिन का फ्लेवर बहुत अच्छा है इसमें. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट एंड लेट्स सी कि कुछ मिस तो नहीं किया मैंने. वो मॉल्टीनेस है ऑफकोर्स, बट बाकी सारी चीज़ें इट इज़ एज द सेम थिंग जो मैंने पहले बताया आपको. तो लेट्स सी, लेट्स गेट ऑन टू द कंपैरेटिव टेस्टिंग नाउ एंड लेट्स सी कि आफ्टर अ डैश ऑफ वाटर इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं. चलिए थोड़ा सा पानी डालते हैं. Let's get on to the nosing. Okay. Aromas घुल मिल गए हैं but काफी सारे aromas जो हैं वो सबडी हुए हैं. अगर मैं बात करूँ तो वो वनीला नोट जो है वो खुल के आ रहा है, वुडीनेस जो है वो खुल के आ रही है, स्मोकीनेस खुल के आ रही है, बट वो फ्रूटीनेस जो है वो हल्की सी सबडी हो गई है. हनीड नोट्स खुल के आ रहे हैं, मॉल्टीनेस अब खुल के आ रही है. लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग आफ्टर एडिंग दिस वाटर एंड सी कि क्या कुछ अलग हुआ है. यस, इट इज द सेम टेस्ट दैट आई वुड गेट. लेट्स सी. ओके, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि फ्लेवर्स बहुत ज्यादा सबड्यू हो गए हैं. वुडीनेस खुल के आ रही है मुझे इसके बाद, पीटीनेस खुल के आ रही है. स्वीट पैलेट तो है ही है इसका, प्लस मॉल्टीनेस निकल के आ रही है, हनीड नोट्स निकल के आ रहे हैं. मैं अगर बोलूँगा कि पानी डालने के बाद अगर कुछ सबड्यू हो गया है इसमें तो दैट इज़ दी फ्रूटीनेस इन इट. या तो मेरे हिसाब से पानी डाल के थोड़ा सा फ्लेवर सबड्यू हो जाता है बट बहुत स्मूथ हो गई है ये इसकी. तो अगर मैं इसके एफिशिनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करूँगा तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट 8 एंड ऑन द टेस्ट आई वुड गिव इट 8.5. तो इस विस्की का एफिशिनाडोज नंबर होता है 8.25. हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी गुड विस्की. मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंपेयर किया जाए विस्कीज़ को, बट दिस इज़ अ वेरी गुड विस्की एंड एवरीथिंग दैट आई से एंड डू ऑन दिस चैनल इज़ माई ओन पर्सनल ओपिनियन. हैविंग सेड दैट, आई वुड अर्ज एवरीवन टू प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड एज वी से इन एफिशिएंट आर्डर्स देन स्टे क्लासी एंड चीयर्स.